हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। सो अगर आपने इस वीडियो पे टैप किया तो सिंपली मींस कि आपको ज़रूर कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको मिलेगा आपके हेयर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ। हाउ टू ऑयल योर हेयर प्रॉपरली। अब इसके लिए मैं आपको क्या स्पेशल टिप्स दूंगी ये आप सोच रहे होगे। तो देखो, जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो हमेशा आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, एम आई राइट? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ऑयलिंग के टाइम पे हेयर फॉल होती है या नहीं होती है, ओके? मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ एक भी स्टेप स्किप अगर आप कर गए तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुनाओ हमें टिप नंबर वन। ऑयलिंग करने से पहले सबसे पहले आप अपने बालों को प्रॉपरली डिटैंगल कर लो। उसके लिए आपको यूज़ करना है वुडन कॉम, क्योंकि वुडन कॉम हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं, ओके? एंड हेयर ग्रोथ भी बहुत प्रॉपरली होती है एंड हेयर डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप वुडन कॉम से सबसे पहले अपने बालों को डिटैंगल कर लो। बिना डिटैंगल के ऑयल मत लगाने लगना अगर आप आलसी हो तो। तो इसलिए आपको पहले अपने बालों को प्रॉपरली कॉम से डिटैंगल करना है, फिर ही ऑयल को अपने बालों पर लगाना है। सो नाउ टिप नंबर टू। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मली ऑयल लगा सकते हो, बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ही डैमेज हैं, जैसे कि बहुत पतले हैं या बहुत छोटे हैं या आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बालों में नॉर्मल ऑयल नहीं लगाने हैं, आपको अपने बालों में वार्म ऑयल लगाना है। अब वार्म कैसे करोगे? आप सिंपली गैस पर जाकर हीट कर दोगे ना? नहीं, नहीं करना है आपको हीट। आपको सबसे पहले एक बड़े से बाउल में वार्म वाटर लेना है और उस वार्म वाटर में आपको बाउल में ऑयल रखकर छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। फिर वो लाइट वार्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको उसे अपने बालों पे अप्लाई करना है, ओके? सो नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर थ्री। जब भी अब आपको ऑयलिंग करनी है तो आप अपने बालों को पार्टीशन कर करके अपने बालों में ऑयल लगाते हो, बट मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, हाथों से ही ऐसे पार्टीशन किया, ऐसे किया और फिर ऑयल लगा लिए। तो इससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो सकता है, समझे? तो आपको अपने बालों को ऐसे नहीं करना है, आपको इसके लिए यूज़ करना है कॉम्ब, और कॉम्ब से आपको अपने बालों को पार्टीशन करना है, कॉम्ब करना है एंड देन ही आपको उस पर स्कैल्प पे ऑयल अप्लाई करना है। अगर आप इस तरह से करोगे, जैसे हाथों से ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कर लिया, तो फिर आपके बाल डैमेज होंगे। तो प्रॉपरली कॉम्बिंग करते हुए ही स्कैल्प पे ऑयल लगाना, ओके? सो नाउ नेक्स्ट टिप नंबर फोर। ऑयल को आपको कितनी देर तक अपने बालों में छोड़ना चाहिए? तो ये गलती बहुत लोग करते हैं कि 3-4 दिनों तक बाल में ऑयल लगे ही रहने दिया। नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि ऑयल जब आपके बालों में होते हैं तो वो आसपास सराउंडिंग्स में जितने भी डर्ट होते हैं वो सबको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और फिर जब भी आप कॉम करोगे तो वो हेयर फॉल होते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही रूट वीक हो जाते हैं, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम फिर होने लगेगी। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। आपको ऑयल 3-4 घंटे आपको अपने बालों में ऑयल रखनी है, और अगर आप 3-4 घंटे नहीं, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बट ओवरनाइट बस, उससे ज़्यादा नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं रखने हैं, क्योंकि बालों में क्या होगा, डैमेज हेयर क्या हो जाएंगे, ब्रेक। रिस्क तो मैं नहीं लूँगी भाई, आप भी मत लो, ठीक है? तो फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप नंबर फाइव पे। सो हमारा टिप नंबर फाइव है कि जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हो तो आप ऑयलिंग करते टाइम जब आप अपने हेयर लेंथ पे ऑयल अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपको खास इस बात का ध्यान रखना है। आप कैसे ऑयल लगाते हो? नो, बाल तो मेरे टूट जाएंगे, आपके भी टूट जाएंगे। तो आपको इस तरह से ऑयल नहीं लगाना है अपने हेयर लेंथ पे, आपको सॉफ्टली पैट करके ऑयल अप्लाई करना है, जिससे कि आपके बाल उलझेंगे नहीं और बहुत आराम से ऑयल अप्लाई हो जाएगी आपके हेयर में, ओके? तो आराम से जेंटली करना है। सो नाउ नेक्स्ट टिप नंबर सिक्स। आपको अपने बालों में मसाज करना है।
तो मसाज के लिए मैं आपको एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट मसाज के लिए एक स्पेशल चीज़ आपको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि आपको जेंटली मसाज करना है। आपके बाल उलझने नहीं चाहिए, आपको नॉर्मली जेंटली एकदम हल्के हाथों से मसाज करनी है। नहीं तो आप रफली करोगे तो बाल उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे, रूट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, जो कि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, अपने बालों में आगे की साइड तो लगा लेते हैं बट यहाँ नहीं लगाते, पीछे नहीं लगाते। तो जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हो तो प्रॉपरली बैकवर्ड पोर्शन में भी ऑयल अप्लाई करो, क्योंकि हर पार्ट से ही हेयर ग्रोथ हो तभी आपके बाल अच्छे से लंबे, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो आपको बैक पोर्शन में भी ऑयल प्रॉपरली अप्लाई करनी है। ओके, तो ये हो गई ऑयलिंग। अब क्या करना है, ऑयलिंग के बाद आप क्या करते हो, आपके बाल तो मसाज करने की वजह से ऐसे पूरे उलझ गए, तो आप फट से ऐसे कॉम्ब लेते हो, करने लगे कॉम्ब। नहीं करना है ऐसे, ये सबसे गलत तरीका है। आपको अब कॉम्बिंग के लिए अपने बालों को 1 से 2 घंटे छोड़ देना है, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करते हो ना तो आपके बाल उस टाइम, आपके जो हेयर रूट्स होते हैं उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते हैं, तो जब आप उसको ऐसे कॉम्ब करने लगते हो तो वो प्रेशर झेल नहीं पाता है और आपके बाल टूटने लगते हैं। तो आपको उसको 1-2 घंटे तक रिलैक्स होकर छोड़ देना है और फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही आपको कॉम्ब लेकर कॉम्बिंग करनी है। ओके, और अगर आपको शैम्पू करना है तो भी आपको कॉम्ब करना है, और अगर आपको ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल छोड़नी है तो भी आपको कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके हेयर फॉल को कम करने में ड्यूरिंग योर हेयर ऑयलिंग। तो प्लीज़ आप इस टिप्स को अच्छे से फॉलो करो एंड ज़रूर आपको ये बेस्ट रिजल्ट्स देने वाली है। और अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल श्योरली ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। ओके, सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इंस्टा पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। ओके गाइस।